ਸਾਡੀ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਕਗਰਾ ਰਾਤਾਂ ਦੀ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक सेकेंड, मैं इसकी वॉल्यूम बंद कर देती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैंने अपना नया व्लॉग स्टार्ट किया है। आज दिन है थर्सडे और ये व्लॉग जाएगा फ्राइडे नहीं, सैटरडे को जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास एक व्लॉग और है जो कि मुझे कल डालना है। कल वो तुलसी पूजन वाला वीडियो है, तुलसी विवाह का, तो वो अभी मैंने नहीं पोस्ट किया है, क्योंकि आज मैंने पोस्ट किया है अपना क्लोविया हॉल, जो कि आप लोग ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो जरूर चेकआउट करिएगा। मैंने बहुत अच्छी अच्छी उसमें ऐसी चीजें खरीदी हैं जो आपके लिए नेसेसरी है और आपको शायद नहीं पता है, या मैंने फर्स्ट टाइम खरीदा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो उसको जरूर चेकआउट करिएगा। मैं अभी क्या कर रही थी, मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही थी। मुझे अच्छा लगता है, मतलब अपने रूम को सजाना, डेकोरेट करना, तो वही मैं थोड़ा सा बस क्लीन कर रही थी। पीहू ऊपर गई है छत पे। मौसम हल्का सा ठंडा है, ज्यादा ठंडा नहीं है। मैंने ये वूलन कुर्ती पहनी है, बट आज मुझे थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है। और पीहू ऊपर, धूप निकली है तो पीहू मालिश करा रही है अपनी नन्नू से। तो ऊपर आंटी जी भी हैं और मम्मी भी हैं। मम्मी बना रही हैं पीहू के लिए स्वेटर, जो कि आपने कल के व्लॉग में देखा था। तो दो स्वेटर मम्मी ने अभी तक बना लिए हैं, एक रेड कलर का जो वो पहले ही बना के रखा था मम्मी ने, और एक ये स्काई ब्लू जो कि आपने कल के व्लॉग में देखा, तो वो कंप्लीट हो गया है। उसमें बटन वटन लगाने हैं, वो मम्मी छत पे बैठ करके धूप पे लगा रही है। इस समय थोड़ा सा टाइम होता है ना, आधे एक घंटे का, तो छत पे थोड़ा देर बैठती है धूप पे, वही है। तो थोड़ा बहुत ऐसे जो छीलने विलने वाले काम होते हैं वो सब मम्मी छत पे बैठ के कर लेती हैं, जैसे कि गाजर छीलना है, मतलब, और सिंघाड़ा या कुछ भी ऐसे साग वाली पत्ती सब्जियां होती हैं, वो सब मम्मी छत पे बैठ के छीलती हैं, बैठ जाती हैं थोड़ी देर। धूप भी बहुत जरूरी है, तो वही है। और बस मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। मैंने सोचा चलो आज नया व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, जो कि बहुत पुराना नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरे बहुत पुराने व्लॉग्स चल रहे थे। एक्चुअली मैंने बीच में एक दो दिन व्लॉग बनाया नहीं और पहले के ही व्लॉग्स डाल रही हूँ, तो लेकिन अब आपको डेली के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। गई हूँ रूम के पर्दे चेंज करने के लिए। बहुत दिन हो गए थे, मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो इसी लिए मैंने ये वाले पर्दे हटाए हैं, ये पर्पल वाले, और ये वाले डाल रही हूँ। थोड़ा सा लुक चेंज होता है तो अच्छा लगता है, इसीलिए। तो मैंने यहाँ पे सारे पर्दे जो हैं वो चेंज कर दिए हैं, और इधर वाला मैंने कर्टन अभी नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे मेरी लाइट लगी हुई थी, कर्टन वाली लाइट, तो मैंने सोचा इसको लास्ट में आराम से पहले लाइट उतारूँगी और फिर उसके बाद इसको चेंज करूँगी, तो इसीलिए ये वाला तो लगा रह गया। सो कोई बात नहीं, मैंने उसको भी चेंज कर दिया है, और ये वाले जो पर्दे हैं इसको लगा दूँगी मैं, तो अच्छा लगेगा। थोड़ा थोड़ा चेंज लाइफ में अच्छा लगता है, ज़रूरी है कि थोड़ी थोड़ी चेंज ज़रूर किया जाए अपनी लाइफ में। सो इसीलिए मैं भी यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं, मुझे बताइएगा।
तो अभी आपने गाने सुने ना, मैं ऐसा करती हूँ जब भी मैं कोई ऐसा काम कर रही होती हूँ ना, क्लीनिंग का या कुछ भी ऐसा, तो मुझे अच्छा लगता है बैकग्राउंड में अपना म्यूज़िक चला लो। तो बस मैंने LED में TV में गाना लगा दिया है, कुछ कुछ ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं, और साथ में काम भी, मन भी लगता है और इंटरेस्ट भी मतलब लगा रहता है काम में, इधर उधर ध्यान नहीं जाता है, और मुझे पसंद है शुरू से ही। तो आप लोग भी बताइएगा इस तरह से आप लोग भी करते हैं क्या। तो बस फाइनली मैं इसको अपनी लाइट वापस से लगा दूंगी, और ये लाइट मुझे बहुत पसंद है। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताते हैं कि आपको भी अच्छा लगता है ये लाइट जब जलता है, तो मुझे अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट देख करके। तो बस अब ये जो पर्दे मैंने निकाले हैं उसको मैं वापस से सेट कर दूंगी। और हाँ, आपने जो स्टार्टिंग में क्लिप देखी ब्रेसलेट वाली, और आप लोग बहुत बार मेरे को कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि जो मैंने हाथ में ब्रेसलेट पहन रखा है वो कहाँ से लिया, किसने दिया, तो मैं आपको आज इस वीडियो में वही दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। टाइटल तो आपने मेरा देख ही लिया है, तो आपको मैं आगे व्लॉग में दिखाऊँगी कि वो क्या है गिफ्ट जो मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट मिला है, कैसा है सब कुछ, आगे आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। मैंने पर्दे चेंज कर दिए हैं, और चेंज करने के बाद ही एकदम लुक चेंज हो जाता है। अभी मैं जा रही हूँ छत पे, थोड़ी देर छत पे चलते हैं। बहुत बड़ी सी आज मैंने बिंदी लगाई है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट अच्छा लगता है ना, कभी छोटी बिंदी कभी बड़ी बिंदी, इस तरह से करके मैं चेंज करती रहती हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया है। उसके बाद यहाँ पे मम्मी बनाने जा रही थी नींबू का अचार, तो वही मम्मी यहाँ पे नींबू कट कर रही थी, पापा बड़े वाले नींबू लेकर के आए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और पीहू बैठी है अपनी नन्नू के पास, वो देखती रहती है क्या ये सब हो रहा है। उसको अभी मैंने नहलाया है और नया उसने स्वेटर पहना है, ये जब हम लोग मार्केट गए थे तो मैं ये स्वेटर भी लेकर के आई थी, जो मैंने आपको बोला था ना कि हम लोग मॉल गए हैं, क्या लेके आए हैं, क्यों लाए हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताऊँगी। तो खैर कोई बात नहीं, बता तो दूंगी ही मैं आपको बाद में, लेकिन अभी इसने पीहू ने वही नया वाला ही स्वेटर पहन रखा है। और फिर उसके बाद मम्मी यहाँ पे आफ्टरनून में लंच के बाद स्वेटर कंप्लीट कर रही हैं, तो ये मम्मी ने नया स्वेटर डाल लिया है, ये हाफ स्वेटर बनाने जा रही हैं मम्मी पीहू के लिए। तो ये अब की दो शेड में बना रही हैं, ये स्काई ब्लू और डार्क ब्लू दो कलर का, तो दो कलर में ये मतलब शेडेड रहेगा, तो ये भी अच्छा लगता है। मतलब लाइट ब्लू कलर का तो मम्मी ने बनाया ही है पीहू के लिए फुल कार्डिगन, तो थोड़ा सा ऊन ये बच गया है, और डार्क ब्लू कलर ले आई है मम्मी, तो इस तरह से मिला के दोनों मिल करके एक स्वेटर और तैयार हो जाएगा। और अभी मम्मी बैठी हैं ऊपर आंटी के रूम में, आंटी भी इधर ही बैठी हैं, बातें कर रही थी मम्मी और आंटी, तो बातें करते करते फटाफट काम हो जाता है। और वैसे ये धुन है मम्मी को, इस समय धुन लगी हुई है कि जल्दी से स्वेटर पूरा करना है, कम्प्लीट करना, ऐसा होता है ना, मतलब अगर एक बार लग गया, मन चल रहा है तो जल्दी जल्दी करती रहेंगी। तो साथ में काम भी है, काम के साथ स्वेटर बुनना भी है, तो वही अभी लगा हुआ है मम्मी का। तो अभी जब ये मैं आपको दिखा रही हूँ तो ये ऐसे सीधा उल्टा मम्मी इसका जो डिज़ाइन है वो बिन रही हैं, इसमें ज़्यादा डिज़ाइन नहीं डाल रही हैं, रेड वाले में मम्मी ने डिज़ाइन डाल के बनाया था, ये तो अंदर पहनने के लिए बना रही हैं, बट अच्छा लग रहा है जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। और अभी यहाँ शाम हो गई है, यहाँ पे चाय बन रही है, तो थोड़ा सा मेरे से फ्राई पैन जल गया, तो वही मैंने चाय चढ़ाई और धीमा करने की जगह मैंने गैस तेज कर दी, तो ये फ्राई पैन थोड़ा सा जल गया है। पीहू ये लीजिए, खाएंगी चिप्स? क्या है ये? ये नीतू मासी ने लाया था। लाया था आपके लिए? नीतू मासी लेके आई है? हाँ। अरे वाह, तो खिलाओ नीतू मासी को एक निकाल के। नीतू मासी। हाँ। बोलो। थैंक यू। क्या? क्या थैंक यू? बोलो नीतू मासी आप खा लीजिए। नीतू मासी आप खा लीजिए। तो आपने तो अपने मुंह में डाल लिया। ठीक है जाओ।
तो अभी चाय नाश्ता हो गया है, वापस से मम्मी शाम को बैठ गई हैं स्वेटर बिनने के लिए। और देखिए सुबह थोड़ा सा ही स्टार्ट ही किया था, दो लाइन हुआ था ये डार्क ब्लू और लाइट ब्लू का, और अभी काफ़ी सारा बन गया है। तो जल्दी जल्दी स्पीड में मम्मी सीधा उल्टा करके बनाती जा रही हैं। और अब तो जब मैं ये एडिट कर रही हूँ तब तक एक पल्ला बिन चुका है, दूसरा पल्ला भी मम्मी ने स्टार्ट कर दिया है, तो वो कल के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो ज़रूर कल का व्लॉग भी चेकआउट करिएगा। और आप लोग में से कौन कौन हैं जो स्वेटर बिनते हैं, क्या क्या बिनते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगेगा मुझे आपके कमेंट देख करके। अच्छा, कई लोग पूछते हैं आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, तो मैंने इंस्टाग्राम आईडी कई बार बताया है और मैं इसीलिए व्लॉग के नीचे लिख भी देती हूँ कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। सेम नाम है मेरा, इंडियन व्लॉगर बुलबुल, तो आप चाहें तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ अभी डिनर का टाइम हो गया है, आज गोभी मूली के पराठे बनाए हैं मम्मी ने, साथ में हरी धनिया वाली चटनी है, तीखी तीखी चटपटी सी, तो आज यही हमारा डिनर होने वाला है। ठंडियों में इस तरह के अच्छे लगते हैं पराठे, कभी कभी खाओ तो वही मम्मी यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे बना रही हैं। तो चलिए अब मैं डिनर कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको अपना ब्रेसलेट कि कैसा है मेरा ब्रेसलेट, मैंने कौन सा पसंद किया है। तो अभी हमारा डिनर हो चुका है और ये है मेरा ब्रेसलेट जो कि मैंने पसंद किया है, आपने देखा होगा। अच्छा, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी ब्रेसलेट लेने के लिए, तो इस बार मम्मी पापा ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी और मुझे बहुत पसंद आया, मुझे ही पसंद करवा के ही दिया है मम्मी ने। तो मैं खुद गई थी, लेकिन मैंने तब वीडियो नहीं बनाया था पसंद करने, जब मैं गई थी गोल्ड शॉप पर, तो मैंने सोचा कि आपको मैं सीधे डिज़ाइन ही दिखा दूँगी और मैंने शॉप का बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। बाय।